नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं बिग न्यूज बांका की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरपुर पुलिस को कई बार लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। पुलिस पर कई बार हमले हुए हैं, यहां तक कि कुछ दिन पूर्व एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद दो दर्जन ग्रामीणों ने थाना पर ही हमला कर तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत कई कर्मियों को जख्मी कर दिया था। अभी कुछ ही दिन पूर्व अमरपुर के एक गांव में जमीन विवाद सुलझाने गए पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। इससे पहले भी बालू माफियाओं ने अमरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को कई बार अपना निशाना बनाया है। ताज़ा घटना एक बार फिर अमरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां ग्रामीणों के बीच हुई हिंसक झड़प को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने अमरपुर पुलिस के एक सहायक अवर निरीक्षक तथा कई जवानों को अपने आक्रोश का निशाना बनाया। उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई तथा काफ़ी देर तक बंधक बनाया रखा। हालांकि बाद में सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर तथा थानाध्यक्ष ने गाँव में पहुँचकर ग्रामीणों को समझाते हुए मामला शांत कराया। जानकारी के अनुसार 4-5 दिन पूर्व अमरपुर थाना क्षेत्र के भेड़ा गाँव में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भिखारी शाह तथा उनकी पत्नी और दो बेटे जख्मी हुए थे, जिनका इलाज भागलपुर के मायागंज में चल रहा है। इस झड़प की सूचना अमरपुर पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और ना ही इस मामले में कोई पहल की। अलबत्ता विपक्षियों की ही रिपोर्ट पर पुलिस ने पीड़ित पक्ष के खिलाफ थाना में मामला दर्ज करा लिया। इतना ही नहीं, घटना के 4 दिन बाद अमरपुर थाना के सहायक अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह पुलिस के जवानों के साथ मामले की तहकीकात करने के लिए भेड़ा गांव पहुंचे। पुलिस का यह रवैया भेड़ा गांव में ग्रामीणों के एक बड़े तबके को नागवार गुजरी और उनका आक्रोश उबल पड़ा। पुलिस के इस लापरवाह रवैये के खिलाफ ग्रामीण अपने अपने घरों से बाहर निकलकर पुलिस का विरोध करने लगे। उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को बंधक बना लिया। अमरपुर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की अपराधियों द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस अपराधियों को पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं रह गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण विगत 3 दिनों से शहर में देखी जा रही है। अज्ञात चोरों ने शुक्रवार की रात्रि अस्पताल के समीप सुभाष पंजियारा के घर को अपना निशाना बनाते हुए जमकर लूटपाट किया, तो वहीं शनिवार की रात्रि पुराना अस्पताल के क्वार्टर में रह रहे स्वास्थ्यकर्मी विकास तिवारी के घर को अपना निशाना बनाया। दोनों ही मामले में गिरिस्वामी अपने घर में ताला लगाकर बाहर गए थे। पुलिस अभी दोनों मामले का उद्भेदन भी नहीं कर पाया था कि चोरों ने पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती देते हुए बीते रविवार की रात्रि धरानी गांव के समीप बलवा मैदान पर बनी एक मकान में जमकर लूटपाट किया। मामले में गिरिस्वामी मुंबई गए हुए थे, जबकि घर की महिला प्रिया देवी घर में ताला लगाकर अपने मायके रजौन गई हुई थी। मामले को लेकर प्रिया देवी ने बताया कि सोमवार के दिन जब अमरपुर स्थित अपने घर आए तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। दो गोदरेज की अलमारी टूटा हुआ था और अलमारी में रखे 5.5 लाख नगद, 7 लाख की जेवरात एवं कीमती कपड़े व बर्तन लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने बताया कि जमीन खरीदने को लेकर पैसे का इंतजाम करके अलमारी में रखा था। पीड़ित महिला ने थाने में लिखित आवेदन देकर चोरी हुए सामान की बरामदगी का गुहार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ विगत 3 दिनों से अमरपुर शहर में हो रही चोरी की घटना से शहरवासियों में पुलिस की कार्यशैली पर असंतोष देखी जा रही है। शहरवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि मामले को लेकर थानाध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने बताया कि जल्द ही चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए चोरी में शामिल गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या चोरी? जेवर लिया और कैश पैसा लिया। आप लोग कहाँ गए थे? मायके गए थे। हाँ, ताला लॉक था और बाहर से भी ताला लॉक है, ऊपर से खुला है। जेवर 7 लाख का है, नकदी 5.5 लाख रुपया लिया है। बांका जिले के अमरपुर शहर के साईं मिशन स्कूल के परिसर में ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सदस्यों ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य रूप से एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, सचिव रंजीत यादव, कोषाध्यक्ष संजय कुमार राय उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने प्रमुख रूप से 20,000 रुपये टोकन मनी के रूप में लेने का भरपूर विरोध किया। मौके पर जिलाध्यक्ष ने बताया कि सभी ट्रक मालिक अंडरलोड चलते हुए क्षमता के अनुसार बालू लोड करें। सचिव रंजीत यादव ने कहा कि क्षमता से अधिक बालू लोड करने का कंपनी पैसा तो लेती है, लेकिन उसका कोई वैध चालान या काटा स्लिप नहीं देती है, जिस कारण पुलिस के द्वारा ट्रक चालकों से ओवरलोड का चालान काट दिया जाता है, जबकि क्षमता से अधिक बालू देने पर कंपनी के कर्मी भी बुरी तरह जिम्मेदार हैं। जब ट्रक चालक से फाइन लिया जाता है तो कंपनी के कर्मी से क्यों नहीं फाइन लिया जाता है, जबकि ओवरलोड वाहनों से सरकार 25 गुना जुर्माना राशि वसूलती है। तो क्षमता से अधिक बालू देने के आरोप में कंपनी के कर्मी से भी फाइन भी वसूली किया जाए। सचिव रंजीत यादव ने बताया कि कंपनी
नदी के घाट से ट्रैक्टर चालक वैध चालान लेकर चलते हैं, लेकिन चालान की समाप्ति का समय मात्र 4 घंटे ही दिया जाता है। अगर इस बीच ट्रैक्टर जाम में फंस जाती है या ट्रैक्टर खराब हो जाती है तो कंपनी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है, जिस कारण ट्रक चालकों पर केस कर दिया जाता है। आज बिहार सरकार सिर्फ वाहन चालकों को ही परेशान कर रही है, जिस कारण वाहन मालिक अपनी वाहन औने पौने कीमत पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। मौके पर जिला अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही सारी समस्याओं को लेकर जिला पदाधिकारी से मिलकर समस्याओं का समाधान और चालान का समय बढ़ाने की मांग किया जाएगा। अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं होगी तो ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। हम लोग का बैठक है, सरकार का जो नियम आया है खनन विभाग में कि 25 गुना फाइन का ओवरलोड है, तो उस विषय पे हम लोग बैठक किए। सारे ट्रांसपोर्टर भाइयों से यही अपील है कि सारा गाड़ी आप लोग भाई सब अपना अपना अंडरलोड चलाएं, जिससे कि ट्रांसपोर्टर हम लोग बच जाए। नहीं कि कानून से क्या होगा कि जो गाड़ी फंसेगी एक गाड़ी पे 5 लाख 7 लाख कहाँ से आएगा, बचता नहीं है। रह गए कि खाली ट्रांसपोर्टर जो है हम दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी संवेदक भी है। अब बालू संवेदक वहाँ से गाड़ी हमको अब 18.5 टन में 10 चक्का पास है, अब वहाँ से हमको 30 टन मिलता है, तो रोक उन पर भी लगनी चाहिए बालू संवेदक पे कि आप गाड़ी को अंडरलोड माल दें। नंबर 2 देख लीजिए, अभी जो है कि अब ये ट्रैक्टर का है समस्या, बोलता है कि मात्र 4 घंटे में चलन खत्म हो जाता है, तो 4 घंटे में ट्रैक्टर अगर कहीं ख़राब हो गई तो ट्रैक्टर फिर क्या करेंगे। परेशानी हो रही है सर, बिहार सरकार जो 14 चक्का को बंद किए हुए है, बंद करने के बाद भी टैक्स चल रहा है, फिटनेस चल रहा है, वो क्या कहते हैं परमिट का जो उल्लंघन होता है, परमिट नहीं बनाए हैं तो उसका फाइन चल रहा है, और गाड़ी चलाएंगे कहाँ सर बताइए। बिहार में कहीं कोई वैसा उद्योग नहीं है जहाँ से हम लोग धान या चावल लाद हैं। नंबर 1 हम लोग मजबूरी में चोरी करके, आज मेरी गाड़ी टपी है, गाड़ी नंबर यदि नोट करना है तो कीजिए, मैं अपने गाड़ी पे 75 टन माल लाद के गया हूँ गिट्टी। बांका जिला 2500 रुपया दिए हैं पासिंग, भागलपुर 2500 दिए हैं पासिंग, बेगूसराय 1000 दिए हैं पासिंग, खगड़िया 2000 पासिंग दिए हैं, गाड़ी अभी दरभंगा में खाली कर रहे हैं। यानी ओवरलोड करिए और अधिकारी को पैसा देते हैं। ओवरलोड किए हैं, मेरे गाड़ी का नंबर लिखिए, 85 टन हुआ है मेरा गाड़ी समेत, कैसे नहीं चलाएंगे। यानी पैसा दे के आप लोग चला सकते हैं। कैसे नहीं चलाएंगे सर बताइए, गाड़ी का किस्ती है 70,000 रुपया महीना, महिंद्रा फाइनेंस, चोला फाइनेंस, IDB से, सब में संजय कुमार राय के नाम से देखा जाए, ठीक है, कैसे चोरी नहीं करेंगे। नंबर 1 कंपनी 18 टन बालू देती नहीं है सर, पहले 20,000 रुपया ले लेता है, यदि 18 टन लेंगे हम तो 18 टन का 650 रुपया के दम से 11,800 हुआ, 20,000 पहले ले लिया है, मजबूरी है हमको 20,000 का बालू लेना। 4 CFT का चलान देती है कंपनी, 4 CFT का ही चलान देती है, उसके बाद जो है वो ओवरलोड है यानी कि अवैध है। परिवहन पदाधिकारी यदि पकड़ते हैं तो 4 CFT के बाद 25 गुना फाइन कर देते हैं। जिस गाड़ी की 3,18,000 फाइन हुआ है, मेरी मजबूरी है सर, हम अपने गाड़ी में ऑटो का नंबर लगा के चला रहे हैं, मेरे गाड़ी में ऑटो का नंबर लगा हुआ है, यदि आप हैंडलिंग मशीन से फाइन कीजिएगा उसमें ऑटो का आएगा, हम गाड़ी छोड़ देंगे। हम 50 लाख रुपया पूंजी लगाए हैं कर्ज लेके, फाइनेंस बॉडी बनवाए हैं 5 लाख रुपया देके, घर बेच के पैसा दें सरकार को। पिकअप और बाइक के बीच सीधी टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक को उचित इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। घटना बांका जिले के सदर अनुमंडल के बाराहाट थाना के कनौलिया के पास की है। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के चिलमिल निवासी प्रवेश यादव और महुआ निवासी साकेत कुमार बाराहाट की ओर से लौट रहे थे, इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही पिकअप से सीधी भिड़ंत हो गई, जहां प्रवेश यादव की मौत हो गई, वहीं साकेत कुमार की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बांका SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में अमरपुर प्रखंड के विभिन्न बालू घाटों पर चलाए गए छापेमारी अभियान में मादाचक गांव के समीप बालू लदी एक ट्रैक्टर एवं जुगाड़ गाड़ी को जब्त करते हुए थाना परिसर लाया गया। हालांकि पुलिस वाहन को देखकर चालक अपनी वाहन छोड़कर फरार हो जाने में कामयाब हो गया। बता दें, अवैध खनन को रोकने के लिए बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिदिन नए नए नियम बनाया जा रहा है। लगातार संबंधित थाना अध्यक्षों को उच्च अधिकारी के द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए सख्त निर्देश दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर धड़ल्ले से बालू उठाव की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अमरपुर प्रखंड के मालदेवचक किशनपुर मादाचक चौकर घाट पर बालू माफिया
अंधेरा होते ही बालू उठाव में जुट जाते हैं। कई घाटों से तो दिन के उजालों में ही बालू उठाव की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। माफियाओं का सूचना तंत्र भी बहुत मजबूत रहती है। सूचना तंत्र अमरपुर बाजार, थाना गेट, इंग्लिश मोड़ आदि जगहों पर मौजूद रहकर पुलिस की हर गतिविधियों का खबर अपने अकाउंट तक पहुंचाते रहते हैं, जिस कारण छापेमारी करने गए अधिकारी खाली हाथ लौट जाते हैं। थाना अध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि जब्त ट्रैक्टर व जुगाड़ वाहन पर खनन अधिनियम के तहत प्राथमिकी किया जा रहा है। छापेमारी अभियान के दौरान बांका SDPO के साथ साथ अमरपुर थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक बसंत यादव, शैलेंद्र कुमार समेत अन्य कर्मी उपस्थित थे। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।